झारखंड के धनबाद जिले में अखिल भारतीय और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान विरोध बिल और बेरोजगारी मुद्दों को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके चलते धनबाद जिले के मुख्यालय में भी किसानों के समर्थन से ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ राज्य मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा। आगे प्रदर्शनकर्ताओं ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव में मोदी सरकार को जनता ने नकार दिया है, वहीं देश में अराजकता चरम पर है। ऐसे में केंद्र सरकार को अविलंब गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ट्रैक्टर रैली में कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में उपयुक्त कार्यालय तक पहुंचे। हालांकि कांग्रेस के इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में धनबाद कांग्रेस एक बार फिर भीड़ जुटाने में असफल साबित हुई। जुलूस के दौरान 5 ट्रैक्टरों पर 50 से 100 कार्यकर्ता मौजूद दिखे, जिनमें अधिकतर पार्टी के नेता थे। आपको बता दें, इस बात 1-2 ट्रैक्टर में सिर्फ चालक मौजूद थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोयलांचल में कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है, और वहीं वैश्विक और महामारी कोरोना के संक्रमण के एहतियात का भी प्रदर्शन के दौरान पालन होता नहीं दिखा। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। कानून काला कानून के रूप में जाना जाता है, जिसको नरेंद्र मोदी ने जबरन पास कराया राज्यसभा से। इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और इसीलिए आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कि हम लोग किसान बचाओ रैली का आयोजन किया है, और ट्रैक्टर रैली के रूप में आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। इसी प्रदर्शन से हम लोग मांग करते हैं कि जो काला कानून बनाया गया है, तीनों कानून को ये भाजपा सरकार वापस ले, नहीं तो नरेंद्र मोदी अगर नहीं करते हैं तो कांग्रेस ही कानून को लागू नहीं होने देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क से संसद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी को त्याग पत्र देना होगा। दूसरी तरफ बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि उसी के चलते आज बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, और नरेंद्र मोदी मुँह को खाए हैं, साथ साथ नीतीश कुमार भी मुँह को खाए हैं, और वहाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कल बहुत ही शानदार विजय होगी, और वहाँ महागठबंधन की सरकार होगी। आज उपायुक्त को ज्ञापन देंगे आप? उपायुक्त को ज्ञापन नहीं, हम लोग राष्ट्रपति तक पहले ही हम लोग देंगे। उपायुक्त के माध्यम से हम लोग उपायुक्त को आज नहीं देने जा रहे हैं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं केवल, और ये राज्यपाल को हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर राव साहब वहाँ ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे। अभी भी वक्त है कि इस कानून को वापस लो, नहीं तो त्याग पत्र देना पड़ेगा।